إذا سألك عبادي عني فإني قريب. दूसरी जगह मेरे रब ने फरमाया इतना करीब इतना करीब, तेरी शहरग से भी मैं तुझसे ज्यादा करीब हूँ. अरे ओ बन मेरे बंदे मुझे पुकार के देख. अरे किसी से एक दफा लड़ पड़ेगा, सुलह करने जाएगा, वो लाठी उठाएगा. तू वही है जिसने मेरे सामने बदतमीजी की थी, तू वही है जिसने मुझे गालियां दी थी. अल्लाह फरमाता है वो तुझे धक्का दे देता है. अरे तू मेरी दहलीज पे आ जा, अगर मैं तुझे धक्का दे दूं तुझे सीने से लगाएगा कौन. माँ तुझे धक्का दे सकती है, बाप तुझे जायदाद से महरूम कर सकता है, तेरी बीवी तेरी नाफरमान बन सकती है, तेरी औलाद तेरी बागी बन सकती है, तेरा जिगरी और गहरा दोस्त तुझे धोखा दे सकता है. अरे ओ मेरे बंदे मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, मेरी दहलीज पे आ, आ सुबह आना तेरा काम होगा, दरियाए करम के गोते में माफ कर देना मेरा काम होगा. इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जी करके घर तशरीफ लाए, कुंडा खटखटाया, पूछा दरवाजे पे कौन है. कहा मैं तेरा अब्बा मोहम्मद अंदर आना चाहता हूँ. कहा अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो. चादर अंदर फेंकी बाद में तशरीफ ले गए. पूछा ओ मेरी लख्ते जी घर पहले चादर क्यों मंगवाई. कहा अब्बा जान हालत इतनी खराब है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं. अल्लाह का कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन तका वला तुज़लमून फतीला. दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा, तुमने उस पर दिल क्यों जमा लिया. कुलु वतमत्तउ कलीला इन्नकुम मुजरिमून. अल्लाह फरमाता है खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का, करोड़ों साल जिंदगी का कोई इंतजाम नहीं. तुम मला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसी जगह जाकर पढ़ोगे जहां ना मौत आएगी ना जिंदगी बनेगी. इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान, ईमान दौलत की वजह से नहीं मिलता, हुकूमत की वजह से नहीं मिलता, रियासत की वजह से नहीं मिलता, सियासत की वजह से नहीं मिलता. अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान न मरता. अगर ईमान ताकत की वजह से मिलता, फिरौन कभी बेईमान न मरता. अगर ईमान जन्नत सजाने से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता. अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहि सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता. अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, मेरे नबी का सगा चचा कभी बेईमान न मरता. ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है. जहाँ मर्जी रहो, जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा. ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है. यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्ने ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्त शाही पर बैठे नजर आते हैं. ये इम्तिहान की जगह है. जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो धोखा खा जाएगा, बड़े बड़े घर ना देखो धोखे में आ जाओगे, बड़े बड़े पार्क ना देखो धोखे में आ जाओगे, और समझोगे यही सब कुछ है. ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है.